शिवसेना ने बारादरी इलाके के सांप्रदायिक तनाव के बारे में एसएसपी को दिया। प्रार्थना पत्र बरेली में शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मिश्र और जिला प्रमुख दीपक पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं सहित आज एसएसपी से मिलकर प्रार्थना पत्र सौंपकर बारादरी इलाके में सांप्रदायिक तनाव के बारे में बात करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने की बात की। देखिए, आज शिवसेना का एक शिष्टमंडल हमारे आदरणीय एसएसपी महोदय से मुलाकात करी। अभी जोगी नवादा में जो मुस्लिम लड़कों के द्वारा जो है हमारे हिंदू समाज के लड़कों को टारगेट करके मारपीट की गई और उनका आर्थिक बहिष्कार करने की सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया गया और मारपीट करने के उपरांत जो है उन्होंने एक भय का माहौल वहाँ पैदा करने का प्रयास किया है कि साहब यहाँ पर जो है हिंदू लोग जो है जिन लोगों ने हमारे अंजुमन का विरोध किया वो उन लोगों से हम कोई सामान ना खरीदें, उनका विरोध करें, उनके साथ मारपीट की। तो उसके विरोध में आज हम सभी लोग शिवसैनिक जो है यहाँ पर आए हैं, एसएसपी महोदय से सख्त से सख्त कार्रवाई का जो है अनुरोध किया है और उन्होंने कहा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये कोई तरीका थोड़ा ही, जब अंजुमन जैसे हर गली से निकलेगा क्या भाई, हमारे यहाँ जब कांवड़ का एक रूट तय है तो एक रूट अंजुमन का भी तय होना चाहिए। हर गली से अगर ये निकलेंगे तो हिंदू समाज उसका विरोध करेगा और आगे आने वाले समय में ये भयंकर रूप धारण करेगा। इसलिए शासन से दूसरा मामला अभी सुरसनी का है जो सीवीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, उसमें भी कल जो है गैर परंपरागत रूप से अंजुमन निकाले गए। तो हमारी शासन से ये मांग है कि इनका एक रूट निश्चित किया जाए, अन्यथा हिंदू समाज जब आक्रोशित होगा तो फिर ये एक बहुत बड़ा भयंकर रूप लेगा जिस पर अभी से लगाम लगाई जाए। जी, हम लोगों ने आज एसएसपी साहब से शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि हम मुकदमा पंजीकृत करके, और हमने कुछ उनको ऐसे व्हाट्सएप के स्टेटस भी दिए हैं जिस पर मुस्लिम समाज के द्वारा जो है आर्थिक बहिष्कार की घोषणा की गई है, वो सारी कॉपियां सारे नाम आज एसएसपी महोदय को दिए गए और उन्होंने कहा है हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे।